तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 10 कमेंट और 1K व्यू का। अगर ये पूरा हो जाता है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेके आता हूँ। अगर ये पूरा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि आप जो हैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं इस एनिमेशन को देखने के लिए। तो मैं जो हूँ इस एनिमेशन को वहीं स्टॉप कर देता हूँ। अगर आप पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेके आता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इरिक सामा दिखाया जाता है। इरिक जो होता है यही माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक लड़की आती है। वो कहती है कि तुम जो हो अपना गार्ड डाउन इतनी जल्दी मत किया करो। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ किसी के आगे जो हूँ गार्ड डाउन नहीं करता हूँ, सिर्फ जो लेक्सोन है उसके आगे अपना हथियार डाल और देता अगर हूँ। आपने जो है मेरे पिछले एपिसोड बहुत ही ध्यान से देखे हैं तो आपने देखा होगा इस लड़की को जो जो है कौन के दोस्तों के का पीछा करती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ इरिक को कहती है कि मैं जो हूँ बहुत दिनों बाद तुमसे मिली हूँ इरिक। फिर हम देखते हैं कि इरिक भी कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ, एलेमा फ्लोरा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर हमें टेंट हाउस दिखाए जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर वेरिएशन जो है वो भागा हुआ आता है और कहता है कि बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी बात है। वो यहाँ पे सभी को खबर देता है कि जो इरिक सामा है वो बस आने ही वाले हैं, मुझे जो है खबर मिली है इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इसके सभी दोस्त जो है एक साथ कहते हैं कि हम लोग जो है इरिक सामा के राइट हैंड हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कौन के पास ये छोटा सा बेड होता है वो सभी के रूम में जाकर देखता है कि सभी सो रहे हैं या जगे हुए हैं। वो स्टील के रूम में जाता है, मारियन के रूम में जाता है और साथ में प्रिंसेस और कौन के रूम में भी, बट सभी जो है सो रहे होते हैं। और ये बेड तो आपको पता ही होगा ये उसी लड़की फ्लोरा का होता है जो जो है अभी इरिक सामा से मिलने आई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वो जो पेट होता है वो घर से बाहर आ जाता है और एक गली में जाकर एकदम से बहुत सारी रोशनी आती है। अब हम लोग नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन के साथ जो भी उसके दोस्त होते हैं अब इरिक सामा यहाँ आने वाले होते हैं तो उनकी खुशी में आने की पार्टी रखते हैं और ये लोग जो है यहाँ बैठ कर सिर्फ पानी पी रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब इन सभी की बहस यही होती है कि उनका जो है राइट हैंड कौन है और कौन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है इरिक सामा के राइट हैंड के लिए। अब इन दोनों की बहस जो है यहीं पर चालू हो जाती है। यहाँ पर जो लियोन है वो कहता है कि हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम लोग सभी अपने अपने काम बताते हैं, जिसने भी बहुत अच्छा काम किया होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो होगा बहुत ही अच्छा बंदा होगा और वही जो है डिजर्व करता है इरिक सामा के राइट हैंड होने का। फिर यहाँ जो वेरिएशन होता है वो कहता है कि चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ जो लियोन होता है वो कहता है कि चलो फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ। जो बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो जो है बेड पे लेटे लेटे नहीं आती हैं, उसके लिए हमें जो है अपनी बॉडी को अपने लिमिट से ज्यादा आगे तक पुश करना होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बताता है कि उसने जो है बहुत सारी ट्रेनिंग करी हुई है और वो जो है सिर्फ घर पे बैठकर सोफे पे बैठा नहीं होता, वो जो है किलो के ऊपर बैठा होता है। लियोन जो होता है उसने बहुत ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग की होती है, वो जो है अपनी आत्मा को और अपनी बॉडी को उनके दोनों लिमिट से ऊपर की तरह पुश करता है जिससे कि वो उसके पास बहुत सारे अटैक्स जो होते हैं उसे मिलते हैं और वो जो है उसके लिए ट्रेनिंग करता है बहुत ज्यादा हार्ड वाली। अब लियोन के जो सामने लड़का होता है वो कहता है कि ये तुम अकेले ही नहीं हो जो ये सब करते हो, मैं भी बहुत कुछ कर चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ फ्लोरा जो होती है उसे लेकर जा रही होती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ। इरिक जो होता है स्माइल करते हुए कहता है मुझे तो नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि तुम जो हो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जो है इसे तलवार देने के लिए लेकर आती है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम उन जो है चारों लड़कों के साथ हैं। फिर वो कहता है कि मैंने जो है अपने बहुत सारे स्पेशल मूव किए हुए हैं और जो इरिक सामा का राइट हैंड होगा उसे जो है कभी भी अपने मिशन के अंदर गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो यहाँ पर अपने एक मिशन के बारे में बताता है जहाँ पर वो मिशन के लिए गया हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे बंदे हो
होते हैं और उसका मिशन जो है बिल्कुल साइड में बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके साथ जो साथी होते हैं वो बहुत सारा जो है पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वो सब सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है यहाँ पर उस लड़की से भीख मांगने लग जाता है। पता नहीं ये किस तरह का मिशन करता है। फिर वो लड़की जो है उसके लिए मान जाती है। अब ये लड़की ही उसका मिशन होती है। वो उसे लेकर जा रहा होता है घर पे। अब क्या करेगा वो मुझे नहीं पता। फिर यहाँ जो लियोन होता है वो कहता है कि ये मिशन तुम्हारा काफी अच्छा था, मुझे लगता है कि हम दोनों को ही राइट हैंड बनना चाहिए। बट यहाँ पर जो केटी होता है वो कहता है कि ना तो मैंने बात करी और ना ही वेरिएशन ने, तो तुम लोगों ने डिसाइड कैसे कर लिया। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे सीन चेंज होता है और यहाँ एरिक उस लड़की के साथ जो है उस सोहर के पास आया होता है। वो लड़की जो होती है यहाँ पर उसे एनर्जी देने के लिए एल्मा गियर का यूज करती है। वो कहती है कि इसे हमेशा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम इसे संभाल कर रखो। अब यहाँ जो एरिक होता है वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो हूँ इसे बहुत ज्यादा ही संभाल के रखूंगा। जो भी इस तलवार को हेट करता है उसे तो मैं बहुत ज्यादा ही दूर रखूंगा। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि जो हाइपेरियन है उसे तो मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। यहाँ जो हाइपेरियन होता है वो कोई और नहीं, वो जो है कौन होता है, वो उसी के बारे में बात कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटी जो होता है अपनी फैन सिटीज को बहुत ज्यादा ही सुना रहा होता है अपने दोस्तों को। अब मुझे तो इसे देखकर समझ में नहीं आया कि ये मेल है या फिर फीमेल। फिर हम देखते हैं कि वो जो है फैन सिटीज के अंदर एरिक को भी लेके आ जाता है जहाँ वेरिएशन को बुरा लग जाता है, इसीलिए वो उसके मुंह पर एक लात देता है। वो कहता है कि तुम जो हो उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती हो, क्योंकि जो एरिक सामा है वो बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है और तुम ऐसा नहीं बोल सकते। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है केटी की लड़ाई हो जाती है उस लड़के से और ये जो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर उन दोनों को सेटल करने के लिए यहाँ पर वेरिएशन के पास एक प्लान होता है। और प्लान भी किस बात का है, प्लान ये है कि वो लोग चेक करना चाहते हैं कि एरिक के लिए कौन जो होगा सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा जो उसका राइट हैंड बन सके, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट कौन है इन चारों में से। तो ये चेक करने के लिए ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर। ज्यादा पीने के बाद लोग ऐसा कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वेरिएशन इन्हें यहाँ पर लेके आया होता है, बट यहाँ तो एक जो है बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। फिर वो जो है कहता है कि जो भी इसे जो है एक ब्लो में यानी एक बार में ही खत्म कर देगा वही जो होगा सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ भागना स्टार्ट कर देते हैं उस ड्रैगन के पीछे और यहाँ पर सभी जो कैंडिडेट हैं वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर लियोन भी अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और वेरिएशन भी अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, जिससे कि वो लोग जो है बुरी तरह से उस ड्रैगन को हरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन है इन सभी से बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो जो है यहाँ से भागने लग जाता है। तो ये जो है सभी कहते हैं कि अरे अरे वो ड्रैगन भाग रहा है, हमें तो पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक करना है कि हमें से कौन अच्छा है। इसीलिए जो सभी ये लड़के होते हैं वहाँ उसके पीछा करने लग जाते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रुक जाते हैं क्योंकि वो जो होता है एक बेबी ड्रैगन होता है जो भाग रहा होता है। उसका जो है मेल ड्रैगन यानी उसका डैडी यहाँ पर आ चुका है। अब इस ड्रैगन को देखकर ये लोग जो है चारों के चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है यहाँ पर अपने फायर बॉल का यूज करता है, जिससे कि ये लोग सभी जो है घायल हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वेरिएशन होता है वो धीरे धीरे उठने का कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो अभी फाइट करना है एरिक सामा के लिए, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एरिक आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग इतने बड़े पार्टी को अकेले अकेले इंजॉय कर रहे हो, मुझे तुम लोगों ने बुलाया ही नहीं, मैं नहीं सोच सकता था कि तुम लोग जो है ये भी कर सकते हो। फिर यहाँ जो एरिक होता है वो कहता है कि चलो तुम लोग जो है साइड में बैठ जाओ, मैं इसे जो हूँ देखता हूँ। वो जो है यहाँ पर सोचता है कि चलो इसी बहाने हम चेक हो जाएगा कि जो मेरी ये नई स्वॉर्ड है उसमें कितना अच्छा कैलिबर है और वो कितना अच्छा से यूज हो सकती है। फिर यहाँ जो एरिक होता है अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जो ड्रैगन है वो एक बार में ही खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सभी लड़के कहते हैं कि हम जो है आपके आने की खुशी में यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। एरिक कहता है कि मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बट मैंने जो है डिसाइड कर लिया है कि अब हमें कहाँ जाना है, तुम लोगों की जो ताकत है वो उसकी जरूरत है मुझे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है हमेशा ही रेडी रहते हैं आपके लिए, बताइए कि क्या ऑर्डर है। एरिक जो होता है इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है। वो कहता है कि हम लोग जो है वो चलेंगे और जाकर उस डीटी को हरा देंगे।
जाएंगे। यहाँ पर वो डीडी किसे कह रहा है ये तो आपको पता ही होगा। वो जो है यहाँ पर कौन को हराने की बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।